मोहम्मदी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से भिवंडी के नए बस्ती के इलाके में एक इज्तिमाई शादी का अहतमाम किया गया, जिसमें 16 जोड़ों का निकाह कराया गया। मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई सालों से इसी तरह के इज्तिमाई शादियों का इंतज़ाम करती आ रही है। इस साल भी 16 जोड़ों का निकाह का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आसम आजमी, भिवंडी के कांग्रेस सदस्य शोएब गुड्डू, आमदार रुपेश म्हात्रे मंच पर मौजूद रहे। इन सभी ने इन जोड़ों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंच से अबू आसम आजमी ने बैठे हुए लोगों को संबोधित किया। आज देखिए हालत क्या है देश के अंदर। एक कंपटीशन हो गया, जब से टेलीविजन आया है लोगों के अंदर एक चेंजिंग हो गई है, चकाचौंध आ गया है। जब मुंबई हम लोग आए थे शुरू शुरू में, तो किसी की शादी में जाते थे तो एक कोका कोला पिलाते थे लोग, कोई शरबत पिला के शादी को की रस्म पूरी कर देता था। लेकिन अब तो मामूली आदमी भी कंपटीशन में जाकर, चाहे भले घर बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कर्ज लेना पड़े, दिखावे के लिए ही हो, लेकिन जाओ तो इतनी डिश, पहले तो एक ये शुरू हो गया आजकल कि जाने के बाद वो पहले क्या शुरू करते हैं, वो स्टार्टर, पहले स्टार्टर शुरू होता है, उसी में पेट भर जाता है। और स्टार्टर में इतना कंपटीशन है कि कम से कम 10 आइटम होना चाहिए, रोटी भी 5 किस्म की, मीठा भी होना चाहिए, फिर और मतलब हद हो गई आजकल खाने। अब कोई भी आदमी देखता है कि भाई शादी में उन्होंने इतना खर्चा किया तो मैं क्या करूं, बेचारा शर्म में कहीं ना कहीं से पैसे मांगता है। जबकि आज वो दिन है, इतना मुकद्दस दिन है, कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। तो खाना प्लेट में लोग भर लेते हैं, खा नहीं सकते, बाद में फेंका जाता है। जरा सोचो एक बात कि एक आदमी तो 5,000 रुपए का एक वक्त का खाना 5 स्टार में खाता है, मगर तुम्हारा दूसरा भाई 1-2 रोटी के लिए ट्रेनों को डिब्बे से खड़ा हुआ रहता है कि शायद कोई ट्रेन से डिब्बे से कुछ खाना खाकर फेंक दे तो उसके जूठन से मैं अपना पेट भर सकूं। ये हालात देश के हैं। आज गरीबी ऐसी है कि आज देश में 90% लोगों की हालत खराब है, सिर्फ 10% लोग जिनके हाथ में पूरी दौलत है, 90% लोग गरीबी की। कहते हैं ना, अजीब लोग हैं जिंदा है वो भी दुनिया में, अजीब लोग हैं जिंदा है वो भी दुनिया में, जो अपने काम से बस अपना काम रखते हैं। वो लोग मुबारकबाद के काबिल कभी नहीं हो सकते जो सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए जीते हैं। मुबारकबाद के काबिल वो लोग हो सकते हैं जो लोग अपने साथ साथ अपने मुल्क, अपने कौम और अपने देश के लिए जीते हैं, जो लोगों के आंसू पोंछने के काम आते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हुसैनी एजुकेशनल वेलफेयर जरूर इस लाइन में अच्छा काम कर रहे हैं, जिसे हम सब दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद इसकी पेश करना चाहते हैं। इज्तिमाई शादी करके लोगों को बुलाकर इतने शान और शौकत के साथ शादी की जाए तो मुझे लगता है कि जैसे दीन मोहम्मद के कोई भाई या बहन की शादी हो रही है, इस तरह से शादी की जाए तो मैं दिल की गहराई से दुआ तो निकलेगी कि भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है।